खबर आ रहा है कटरा कस्बे की बिधुना रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर एक दबंग द्वारा अपने कार ट्रक में डीजल भरवाया कि जब सेल्समैन ने पैसे की मांग की तो दबंगों ने बेरहमी से उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दी। अहरवा कटरा थाना क्षेत्र के बिक्रमपुर निवासी राजेश बाथम ने थाना पुलिस को शिकायत देते हुए बताया है कि कस्बा स्थित नायरा पेट्रोल पंप पर नौकरी करता है। तकरीबन 9:30 बजे नगला मय निवासी रेशु यादव जो कि अहरवा कटरा के विश्रामऊ रोड पर रहता है, ऋषु ने अपने कार और ट्रक में डीजल भरवाया। जब सेल्समैन उसे पैसे की मांग की तो उन्होंने अपनी दबंगई दिखाते हुए गाली गलौज करने के साथ उसके साथ मारपीट भी करनी शुरू कर दी। सेल्समैन के पैसे भी कहीं गिर गए। सेल्समैन का कहना है कि ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हुई। घटना की शिकायत मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए बता दी कि पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज को जानना शुरू कर दिया। थाना प्रभारी संत प्रकाश पटेल ने बताया है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्तारी भी होगी। प्राइमरी के न्यूज चैनल के लिए अमित शुक्ला। क्या नाम भैया? राजेश कुमार। राजेश कुमार कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम विक्रमपुर पटना अहरवा जनपद औरैया। क्या घटना हुई आज? मैं रेशु यादव के डंपर है 3। हाँ। वो यहाँ पे आए डीजल लेने पेट्रोल पंप पर। कहाँ पे? श्री देवी फिलिंग स्टेशन अहरवा कटरा। तो आप उस पर क्या काम करते हो? मैं उस पर सेल्समैन काम करता हूँ। फिर क्या हुआ? फिर इनका डंपर आया, मैंने उनसे बोले कि मेरे पिछले पैसे लिखे हैं वो भी दिलवा दो। तो इन्होंने गाली गलौज की कि देख फिर तो हमसे मांगने लगा पैसे। फिर इन्होंने रेशु यादव का नंबर लगाया। नंबर लगाने के बाद फिर इससे मेरी बात करवाई। फिर इसने मुझे माँ बहनों की गाली दी फोन से। फिर इसने बोला कि मैं अभी हाल पंप पे आ रहे, मैं तेरी अभी चुराई कर रहा हूँ। फिर ये आया वहाँ से तो मैं दूसरे गाड़ी डंपर में डीजल डाल रहे थे। इतने में ये आया फोर व्हीलर से, मैंने गाड़ी खड़ी की, एकदम उतर के इतनी एकदम भाग के गया। इसने हमें लात घूसों से मारा। और ये देखो मेरे सारे बटन वटने वगैरह तोल दी और मेरे गर्दन अर्दन में ये चोटें आई हैं और मेरे पेट घूसों में लात मारी है। उसके बाद फिर बीच बचाव किया तो मेरे हाथों में पैसे थे 18,000 रुपये। तो वो ऐसे ही पता नहीं उन्होंने छीने हैं कि हाथ मेरे छुट गए, इधर उधर गिर गए। फिर वो सारे लोगों ने भूले, पता नहीं कितने गए हैं कितने नहीं। वो सीसीटीवी कैमरे में भी है, पूरी वारदात कैमरे सीसीटीवी कैमरे में है। क्या आपने अहरवा कटरा थाने में तहरीर दे दी क्या? हाँ, मैंने एप्लीकेशन दी है थाने में। क्या कहा थाना दे? थाने में ये कहा है कि एप्लीकेशन दीजिए, कि उन्होंने ये कहा है। तो फिर मैंने उन लोगों का नाम दर्ज करके एप्लीकेशन दी है। कितने लोगों ने मारपीट किया आपके साथ? उसके 2 ड्राइवर थे, रेशु यादव और उसके 2 ड्राइवर थे। तो वो 3 लोग थे, अन्य 3 लोग थे रेशु यादव। और उसके बाद जब ये वहाँ से एकदम से मारपीट करके भागे हैं तो बोले कि साले तुझे मैं जल्द मार देंगे, धमकी दे के वो निकल गए सारे लोग।